सर जय हिंद, नमस्कार। मैं किरण गोसावी। जैसे कि आप बोल रहे कि फराज खाना पुलिस से फरार है और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, तो उस पे मैं पहले बोलना चाहूँगा कि चिन्मय देशमुख जो बंदा है उसको ऑलरेडी मैंने मलेशिया भेजा था। वहाँ पे वो 8 दिन रुका, उसके बाद में वो अपने आप रिटर्न आया क्योंकि उसका मेडिकल वहाँ पे फेल आया था जब भी उसको पता चला, लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया नहीं। काफ़ी सारी बातें वहाँ पे भी हुई है जो ये बता रहा है कि मुझे रात को 12 बजे 1 बजे दरवाज़ा खटखटाए जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे कि कंफर्म किया जाता है कि बंदा भाग तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनके पास में परमिट नहीं होता है। वहाँ पे परमिट लेने के लिए 8 से 10 दिन वर्किंग डेज का टाइम लगता है, तो तब तक वो हमारे मतलब इसमें रहते, निगरानी में रहते हैं। तो उसका दड़पन समझ के या कुछ समझ के अगर ये वहाँ से भाग के आया है, तो उसको मैंने वापस ऑफिस बुलाया था। उसके बाद में बुलाने के बाद उनके पेरेंट्स भी आए थे, मैंने उनसे समझौता किया। मैं बोला जो भी खर्चा हुआ है वो माइनस करके जो बचा हुआ है वो मैं आपको देने को रेडी हूँ। फिर उनकी मम्मी कुछ शायद शिवाजी नगर कोर्ट में एज अ क्लर्क करके काम करते, तो उन्होंने मुझे बोला कि मी तुला कोर्टात खेचल, मराठी में बोला था उन्होंने। तो मैंने बोला मैडम देखिए ये बातें मत कीजिए करके। आज सर कोई भी आज अगर मैं 10 काम लेता हूँ तो एक दो काम में प्रॉब्लम आती है। ऐसा मैं परफेक्ट नहीं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं परफेक्ट हूँ, एक दो काम में प्रॉब्लम आती है। आज भी मेरे 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं मलेशिया में, सिंगापुर में, और परमिट का प्रोसेस है जो 8 से 10 दिन का, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से वो रिटर्न आ गए मुझे बिना बोले। देशमुख अकेला ही नहीं है, उत्कर्ष भी है, जॉन प्रसाद भी है साउथ इंडिया का, उन्होंने भी सेम तरह की शिकायत की है कि जब उन्होंने आपसे बात की तो आपने बहुत ही भद्दी बातें कहीं, गाली गलौज पर आप उतर आए और वो ऑडियो क्लिप में सुनाई देता है। सर जैसे कि उत्कर्ष 2 नंबर उत्कर्ष का है, जैसे आप बोल रहे हो पालघर का, उत्कर्ष ने सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे मेरा काफ़ी मतलब नाम बदनाम किया उस टाइम पे, जब भी मैं उसको बुला रहा था कि आके सामने बैठ के बात करो, क्योंकि उत्कर्ष का पहले टिकट हुआ था मुंबई से, उसके बाद में उनका कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया, तो आज मलेशिया की रिटर्न टिकट देखने जाओ तो सर कम से कम 30,000 की है इंडियन रुपीज़ में। उसके बाद में इनको मैंने कोचिन से टिकट करवा के दिया, इनको वीज़ा करवा के दिया, आज वीज़ा नहीं बोले तो भी 7 से 8 हज़ार का वीज़ा उस टाइम पे आ रहा था। तो उन्होंने जो 60-60 हज़ार रुपये दोनों ने दिए थे, तो जितना उन्होंने पैसा दिया उतना काम मैंने कर दिया है। तो इसमें अगर वो बोल रहे कि वीज़ा गलत है या टिकट फेक दी है, तो वो पुलिस पहले वेरीफाई करे और उसके बाद में एक्शन ले उस पर। नहीं, मैं उसने बात कही है, आरोप लगाया है कि कोचीन के एयरपोर्ट पर वो जाने के बाद उन्हें वहाँ के अधिकारियों ने या इमिग्रेशन अधिकारियों ने वहाँ से उन्हें जो गलत चीज़ें है, टिकट कहीं ना कहीं बोगस है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, वो क्या है? सर रिटर्न टिकट जो होता है वो डमी टिकट होता है, जो रिटर्न आने का टिकट इनका बनाते हैं, क्योंकि तब तक इनका परमिट वहाँ पे बन जाता है, तो रिटर्न आने वाला जो टिकट था उनका वो कंफर्म नहीं था। लेकिन साथ ही में इनके पास में प्रॉपर जो जाने के लिए वहाँ के पैसे लगते हैं, शो मनी जिसको बोलते हैं, 1,500 रिंगेट लगते हैं जो इंडियन रुपीज़ में 28,000 होता है, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं था। उसी दिन अगर उनके अकाउंट चेक किए जाए तो मैंने अपने अकाउंट से 20,000 उनको भेजे है, ठीक है, 20,000 मैंने उनको भेजे थे और बोला था कि आप दोनों मिलके 40,000 जमा कर लो और 20,000 किसी से मंगाओ, लेकिन वो पैसा लगेगा आपको दिखाने के लिए। तो वो शो मनी भी उनके पास में अवेलेबल नहीं था, तो वो सबसे बड़ा कारण था कि ये लोग को फ्लाइट पे नहीं चढ़ने दिया। अच्छा ये बताइए कि प्रसाद के बारे में क्या कहेंगे? प्रसाद बहुत नाराज़ है और ये सेम तीनों की भी शिकायतें एक जैसी दिखाई दे रही है। सर प्रसाद को मतलब ना मैंने वीज़ा दिया ना टिकट दिया क्योंकि उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो उसका पैसा ले लिया ना, लेकिन 1,20,000 रुपये ले लिया आपने उसे। सर पैसा ले लिया लेकिन पैसा जेब में तो नहीं रखते ना, पैसा आगे भी देना पड़ता है हमको। जैसे चिन्मय देशमुख अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वहाँ पे जाने के बाद में वो लोगों का काम वो लोग करते हैं, तो मेरा काम इतना ही यहाँ से बिठा के देना, वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ के जो एजेंट्स है वो लोगों का काम रहता है, इमिग्रेशन में लेके जाना, इनका इंटरव्यू कराना, इनको वर्क परमिट आगे प्रोसेस कराना। रही बात जॉन की, तो जॉन का जो पेमेंट देना है वो देने के लिए मैं तभी भी रेडी था, जॉन को बुलाया भी था, लेकिन अचानक से मैं 3-4 महीने के लिए मलेशिया सिंगापुर टूर पे चला गया, उसके बाद में उसका मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। सो डेफिनेटली जॉन का जो कुछ भी है वो क्लियर करने को मैं रेडी हूँ। जब उन्होंने आपको पैसा मांगा या उसके ऊपर सॉल्यूशन मांगा, तो आपने बहुत ही भद्दी जो बातें कही है वो उसका कारण क्या है? मींस आपने CM PM तक को जेल में डालने की बात कही थी। सर मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि CM PM को जेल में डालूंगा। उन्होंने मुझे 2 से 3 अंदर बड़े, कर दूंगा बोला। नहीं, ऐसा मैंने बोल, आप वापस एक बार चेक कर लीजिए, चाहिए तो रिकॉर्डिंग। जब इन्होंने
कॉरपोरेट लेवल से यहाँ वहाँ से फ़ोन लाए थे मुझे। उस टाइम पे मैंने बोला कि ये टेक्निकल इशू है, कुछ इश्यूज है और ताली एक हाथ से नहीं बजती, चिन्मय देशमुख की भी कुछ गलतियाँ हैं इसमें, तो आप सामने आइए, मेरे ऑफिस में आइए, बैठ के बात कीजिए करके। तो फ़ोन से मेरे को गालियाँ देते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पैसा भेज देना, मैं पूना का ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। सर देखिए, मुझे तो कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं डायरेक्ट किसी को भी कुछ गलत बोल दूँ। कुछ रिएक्शन वहाँ से आई है, तभी मेरी एक्शन, मतलब रिएक्शन उस पर हुई है, एक्शन आई है तो रिएक्शन होगा। डेफिनेटली। अच्छा ये बताइए कि जो लड़की आपके साथ आपके दफ्तर में काम करती थी, उसके पर्सनल अकाउंट पर आपने चिन्मय से पैसे ट्रांसफ़र करवाने लगाए, और जो भी 3 लाख या 3,07,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र किए, उसमें से आधे पैसे उस लड़की के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये कितना सही है? आज वो लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या वो भी आपके साथ आपके पूरे टीम में आपके जो कंपनी है उसमें एक पार्टनर है या आपकी एम्प्लॉय थी वो? नहीं सर, वो उसे कुछ पता नहीं है। वो एक्चुअली उसका अकाउंट सिर्फ यूज़ किया किया गया था, क्योंकि चिन्मय देशमुख ने बोला था कि मेरा कोटक अकाउंट अगर रहेगा तो मेरा पेमेंट इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा करके। तो कोटक अकाउंट उसके पास में था, इसके लिए कोटक बैंक का अकाउंट उसका मैंने दिया था। चिन्मय जो आरोप लगा रहा है कि मेडिकल उसकी मलेशिया में नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि उधर उसका मेडिकल में फेल हो गया, आपके पास कुछ दस्तावेज है जो बता सकते हैं कि वो मेडिकल को उसको वहाँ पर लेकर गए थे जिसमें वो फेल हो गया? सर अभी 3 साल हो गए इस बात को, अगर दस्तावेज चाहिए तो मुझे फिर से मलेशिया में मेरे जो कंसर्न एजेंट्स हैं उनको मेल डाल के वो वापस मैं मंगा सकता हूँ उनके मेडिकल्स। यानी आप ये पूरा जो मामला 2018 का है वो आप भी सुलझाना चाहते हो, पैसा देने की आपकी मंशा है लेकिन देरी हो गई? सर देरी हो गई मतलब मैं पैसा तभी भी देने को रेडी था इनको, कि जो कुछ भी खर्चा हुआ है आप अपने साइड से आए हो रिटर्न, तो जो भी खर्चा हुआ है वो मैं देने को रेडी हूँ। पूरा पैसा देने को तैयार नहीं? सर अभी नौबत ऐसी आ गई है कि मतलब गले पे छुरी आ गई है, तो पूरा पैसा देने को भी रेडी हो जाएंगे, होना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के खिलाफ हम बोल नहीं सकते, और लुकआउट नोटिस वगैरह ये इतने छोटे केस में लगा दिया है मेरे पे, तो डेफिनेटली आई हैव टू पे। ये बताइए कि अभी जो आपका एनसीबी से कनेक्शन है, जो आप उसमें विटनेस के बतौर काम करते हैं, वो कब से शुरू हुआ है और उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके ये जो आरोप लग रहे हैं सैम डिसूजा का नाम सामने आ रहा है, तो सैम डिसूजा से आपकी पहचान कब से है, और बाकी जो आपका बॉडीगार्ड है उसके बारे में? सर ये सारी चीज़ें 2 अक्टूबर की है, जिस दिन ये रेड हुई है सारे कनेक्शन उसी दिन पे मतलब सामने आए, मतलब सामने आए मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई है। एनसीबी में 2 अक्टूबर के पहले आप कभी गए नहीं थे? कभी नहीं गया था मैं, मैंने वानखेड़े सर को सिर्फ टीवी पे ही देखा था। एनसीबी में जाने का कैसे क्या ये प्रस्ताव कैसे क्या आया? सर क्योंकि ये पार्टी जहाँ पे होने वाली थी वहाँ से एनसीबी का ऑफिस केवल 400-500 मीटर पे था, तो हमने ऑनलाइन जब भी सर्च किया कि नियर बाय ऑफिस ऑफिशियल कौन सा है, कहाँ पे जा सकते हैं, तो हम एनसीबी के ऑफिस में चले गए। आपको ये पार्टी का पता चला पहले? मनीष को पता चला, मनीष भानुशाली को, मनीष और मैं साथ में ही थे हम लोग, मैं मेरे काम से गया था मुंद्रा। एनसीबी को इसकी भनक ही नहीं थी कि ऐसी कोई रेव पार्टी हो रही है? नहीं, एनसीबी को पहले भी फोन आया है, एक दिन पहले रात को उनके पास में नाम भी आए थे और एक पार्टी होने वाली है, लेकिन वो लगभग 4 से 5 नाम थे उनके पास में, और फिर हमारे जब भी 27 नेम्स देखे उन्होंने, तो उनको कुछ हमारे मतलब टिप में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लगी, तो उन्होंने हमको अप्रोच किया। आप बतौर सिर्फ विटनेस ही नहीं, इन्फॉर्मर के बतौर भी काम करते हो कि समाज में कुछ कुछ गलत हो रहा है तो आप वो सिस्टम को बता देते हो। सर अभी ये सवाल अगर आप जिनके घर पे ये ड्रग्स वगैरह लेने वाले लड़के हैं उनके माँ बाप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा शायद। मुझे तो सारे लोग मतलब गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट किसी के पेरेंट्स तो मुझे अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी ये मैटर से तो काफ़ी ड्रग्स आना कम हो गया है आज के रेट में, एटलीस्ट महाराष्ट्र मुंबई में। बताइए कि आप बतौर विटनेस काम करते हो, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है? सर विटनेस का पैसे के लिए थोड़ी कोई करता है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसमें से मेरे को अच्छा पैसा आ जाता है, और विटनेस में अगर पैसा मिलता रहता तो हम मतलब विटनेस वाले ही काम करते रहते। फिर क्यों काम करते हो विटनेस के लिए? सर तो अब तक आज तक मैंने जो 14-15 केसेस की है, काशीमीरा हो गया, ठाणा हो गया, भिवंडी हो गया, जो गो मांस का, वो तो इससे भी बड़ी चीज़ है। आज मैं हिंदू, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो, कि रोज की हज़ारों की संख्या में गायें काटी जाती है, तो वो चीज़ें क्यों न्यूज़ में नहीं आई? उसमें तो हमने मतलब हम पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे थे, लोग उड़ाने वाले थे, काफ़ी बार मतलब फायरिंग करने की कोशिश की, वो सब चीज़ें मीडिया में अब तक आई नहीं। आज किसी एक्टर के लड़के का नाम आया तो आज इतना मीडिया उठ गया, इतना हमारा नाम उठा दिया,
कि मतलब आतंकवादी के भी ऊपर मुझे गुनहगार बना दिया है आज। यानी जो आप बतौर विटनेस काम करते हो, पंच बोल के जो काम करते हो, वो सिर्फ देश हित के लिए काम करते हो, ऐसा आपका कहना है? सर जो हिंदुओं के खिलाफ है उसके लिए भी कर रहा हूँ, और जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके खिलाफ है उसके लिए भी कर रहा हूँ। जो गौ मांस का जो केसेस कर रहे थे या पुलिस को मदद कर रहे थे, वो इसी के लिए कर रहे थे कि उसमें ये गौ मांस गौ हत्या कम हो जाए। और रही ड्रग्स की बात, तो मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जिस घर में ड्रग्स लिए जाते उनके माँ बाप को पता है कि उनकी संतान के लिए ये कितना हानिकारक है। तो आज कहीं ना कहीं से मुझे या एनसीबी के टीम को वहाँ से दुआ जरूर मिलती होगी। सैम डिसूज़ा के बारे में क्या कहेंगे? कैसा दोस्ती आपकी, कब से दोस्ती है, कैसी दोस्ती हुई, और उन्होंने ही आपको एनसीबी तक पहुंचाया, ये जो आपका कहना है उस पर क्यों भरोसा करें? सैम डिसूज़ा की दोस्ती नहीं है कुछ। सैम डिसूज़ा ने मतलब जब भी हम एनसीबी पे गए तो हमको एंटरटेन नहीं किया, तो मनीष ने कहा कि मेरा एक दोस्त है उसको पूछ के देखता हूँ, वो इसी एरिया में रहता है, तो शायद उनके थ्रू कोई वहाँ पे एक थे, तो उनके थ्रू फ़ोन करके फिर हम गए आगे 7:30 बजे मॉर्निंग में।